नमस्कार, शुरुआत करते हैं कोरोना अपडेट से। भारत में कोरोना के 6,417 कन्फर्म केसेस सामने आ चुके हैं, जिसमें से 594 लोगों ने रिकवरी कर ली है, वहीं 195 लोगों की मौत हो चुकी है। 5,628 एक्टिव केसेस अभी भी हैं। चलिए अब शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो, जिसमें हम बात करेंगे 10 महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्नों की। तो आज की करंट अफेयर्स पर हमारा जो पहला प्रश्न है वो है, निम्न में से किस सोशल मीडिया कंपनी के सीईओ जैक डोर्सी ने कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई के लिए आर्थिक मदद का ऐलान किया है? विकल्प है हमारे पास फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन या फिर माइक्रोसॉफ्ट। आपको बता दें इसका जो सही जवाब है वो है ट्विटर। इन्होंने अपनी कुल आय का लगभग 28% कोरोना संक्रमितों के मदद के लिए देने का वादा किया है। चलिए बढ़ते हैं आज के दूसरे प्रश्न की तरफ। हमारा जो दूसरा प्रश्न है वो है, फ्रांस की टोटल एसए ने भारत के किस ग्रुप के साथ जॉइंट वेंचर के लिए 3,707 करोड़ रुपए का निवेश किया है? विकल्प है हमारे पास एचडीएफसी ग्रुप, अदानी ग्रुप, महिंद्रा ग्रुप या फिर टाटा ग्रुप। आपको बता दें इसका जो सही जवाब है वो है अडानी ग्रुप। अडानी ग्रुप इसने फ्रांस की टोटल एसए ने भारत के अडानी ग्रुप के साथ जॉइंट वेंचर के लिए 3,707 करोड़ रुपए का निवेश किया है, जिसके तहत देश के 11 राज्यों में सोलर प्रोजेक्ट का संचालन किया जाएगा। ये सोलर प्रोजेक्ट के लिए निवेश किया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देश में कोविड-19 यानी कि कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप के बीच किसने बेहद सस्ता वेंटिलेटर तैयार किया है? विकल्प है हमारे पास महिंद्रा ग्रुप, भारतीय रेलवे, टाटा ग्रुप या फिर अडानी ग्रुप। आपको बता दें इसका जो सही जवाब है वो है भारतीय रेलवे। भारतीय रेलवे ने हाल ही में कोविड-19 के बढ़ते प्रकोप के बीच बेहद सस्ता वेंटिलेटर तैयार किया है। इस सस्ते वेंटिलेटर को जीवन नाम दिया गया है। ध्यान देने वाली बात है, इसको जीवन नाम दिया गया है। इसे कपूरथला रेलवे कोच फैक्ट्री द्वारा विकसित किया गया है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने किस पर अपने बेस कैंप बनाने के लिए मानव भेजने के लिए सरकार को प्रस्ताव भेजा है? विकल्प है हमारे पास मंगल ग्रह, शुक्र ग्रह, चांद या फिर शनि ग्रह। और आपको बता दें इसका जो सही जवाब है वो है चांद। नासा ने चांद पर अपने बेस कैंप बनाने के लिए मानव भेजने के लिए सरकार को प्रस्ताव भेजा हुआ है, जिसका लक्ष्य मनुष्य को वर्ष 2024 तक चांद पर पहुंचा देना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है, स्विट्जरलैंड के आइस हॉकी लेजेंड रोजर सैपो का हाल ही में कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया? एक बार ध्यान दीजिएगा, ये हॉकी के लेजेंड रह चुके हैं रोजर सैपो। विकल्प है हमारे पास 69, 79 या फिर 99। आपको बता दें इसका जो सही जवाब है वो है 79। स्विट्जरलैंड के आइस हॉकी लेजेंड रोजर सैपो का 79 वर्ष की उम्र में निधन हुआ। उन्होंने देश के लिए 100 से ज़्यादा मैच खेले हैं और वर्ष 1964 विंटर ओलंपिक भी खेला हुआ है इन्होंने। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है, सुप्रीम कोर्ट ने किसे सरकारी व निजी दोनों लैब में कोरोना वायरस के संक्रमण की जांच के लिए मुफ्त करवाने का आदेश दे दिया है? विकल्प है हमारे पास केंद्र सरकार, दिल्ली हाई कोर्ट, राज्य सरकार या फिर कोई नहीं। विकल्प जो सही विकल्प है इसका ये है केंद्र सरकार। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में केंद्र सरकार को सरकारी व निजी दोनों लैब में कोरोना वायरस के संक्रमण की जाँच लोगों के लिए मुफ्त करवाने के निर्देश दे दिए हैं। कोर्ट ने कहा है कि केंद्र सरकार ऐसा तंत्र भी विकसित करे जिससे टेस्ट के लिए लोगों से ज़्यादा फीस ली जाए तो उसे सरकार वापस लौटा दे, मतलब कि आपको वो अमाउंट रिफंड कर दिया जाए। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा जो सातवां प्रश्न है वो है, इंग्लैंड क्रिकेट टीम के किस खिलाड़ी को वर्ष 2019 के लिए विजडन लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया? विकल्प है हमारे पास बेन स्टोक्स, जो रूट, जोस बटलर या फिर आयन मार्गन। तो इसका जो सही जवाब है वो है बेन स्टोक्स। इंग्लैंड क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर हैं, जैसा आप सभी को पता है। इनको 2019 के लिए विजडन लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया। 15 वर्ष के बाद यह सम्मान इंग्लैंड के किसी खिलाड़ी को मिला है? वर्ष 2005 में ये अवार्ड एंड्रू फ्लिंटाफ को उस साल का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर चुना गया था, उसके बाद ये सीधे 2019 में मिला है।
अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा जो आठवां प्रश्न है वो है, इनमें से किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री महमूद जिब्रिल का हाल ही में 68 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। विकल्प हैं हमारे पास चीन, मलेशिया, लीबिया या फिर ऑस्ट्रेलिया, और इसका जो सही जवाब है वो है लीबिया। आपको बता दें, लीबिया देश के पूर्व प्रधानमंत्री महमूद जिब्रिल का हाल ही में 68 वर्ष की उम्र में निधन हुआ। वे कोविड-19 संक्रमण से संक्रमित, यानी कि कोरोना वायरस ने इनकी जान ले ली है। वे लीबिया में गृह युद्ध के दौरान 2011 में 7 महीने तक अंतरिम प्रधानमंत्री भी थे। तो ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि लीबिया का पूर्व प्रधानमंत्री महमूद जिब्रिल कितने सालों तक या कितने महीनों तक अंतरिम प्रधानमंत्री थे, तो इसका जवाब होगा 7 महीने। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा जो आज का नवा प्रश्न है वो है, हाल ही में किस देश ने भारत को कोरोना वायरस के संक्रमण के इलाज में उपयोग होने वाली पीपीई की 1.7 लाख किट भेजी है। विकल्प है हमारे पास अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, चीन या फिर बांग्लादेश, और इसका जो सही जवाब है वो फिर चीन। चीन ने हाल ही में भारत को कोरोना वायरस के संक्रमण के इलाज में उपयोग होने वाली पीपीई को, माफ़ कीजिएगा, पीपीई की 1.7 लाख किट भेजी है। भारत में निर्मित 20,000 पीपीई की आपूर्ति होने के साथ ही अब अस्पतालों को 1.90 लाख पीपीई की आपूर्ति कर दी जाएगी, जिससे जांच में काफ़ी सहायता प्रदान हो सकती है। बढ़ते हैं आज के आखिरी प्रश्न की तरफ। हमारा जो आखिरी प्रश्न है वो है, निम्न में से किस देश में बढ़ते तापमान की वजह से ग्रेट बैरियर रीफ को सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है। विकल्प है हमारे पास चीन, ऑस्ट्रेलिया, इराक या फिर इंडोनेशिया। आपको बता दें ये ऑस्ट्रेलिया में है, तो ऑस्ट्रेलिया इसका सही जवाब होगा। ऑस्ट्रेलिया के ग्रेट बैरियर रीफ में समुद्र के लगातार बढ़ते हुए तापमान के कारण काफ़ी हानिकारक कोरल ब्लीचिंग हो रही है। वैज्ञानिकों के मुताबिक पिछले 5 वर्षों में 2300 किलोमीटर रीफ सिस्टम में तीसरी विशाल ब्लीचिंग हुई है, इससे काफ़ी नुकसान भी हुआ है। तो ये थे आज के 10 प्रमुख क्वेश्चंस जो करंट अफेयर्स की दृष्टि से आज की दिनांक में आवश्यक थे। अब बढ़ते हैं आज के प्रश्न की तरफ। हमारा आज का जो प्रश्न है वो है, IQAir के डेटा के मुताबिक दुनिया के शीर्ष 20 सबसे प्रदूषित स्थानों में भारत के कितने शहर शामिल हैं। आपको विकल्प दिया गया है 4, 2, 5 और 7। अगर आपको इसका सही जवाब पता है तो कमेंट बॉक्स में अपना जवाब दें। अगर आपको इसका जवाब नहीं पता है तो कल के वीडियो में आपको इसका जवाब बताया जाएगा। तब तक के लिए अपने घरों में रहें। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपने घरों में रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और लॉकडाउन का पालन करें। तब तक के लिए धन्यवाद।